नमस्कार, कर्णसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। फिर हुआ ग्रैंड एशियन न्यूज चैनल पर दिखाई गई खबर का असर। पटेल चौक दुर्ग की यातायात व्यवस्था सुधारने जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। कुम्हारी थाने में पदस्थ एसआई की करतूत से मानवता हुई शर्मसार। शव देने के लिए मृतक के परिजनों से ली 45,000 रुपए की रिश्वत। एसपी ने किया लाइन अटैच। और दुर्ग भिलाई इलाके में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने पुलिस ने की पॉश इलाकों की आकस्मिक जांच। मकान के किराएदारों का सत्यापन व कॉलोनियों की जांच। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गुरुवार को दोपहर 12 बजे से प्रारंभ हुई मंत्री परिषद की बैठक 2 घंटे तक चली। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया, किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा गरुआ घुरुआ बारी के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्क संगत बनाने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में 15 से 16 जुलाई को कराटे की राष्ट्रीय स्पर्धा होने जा रही है, जिसमें देश के 27 राज्यों के लगभग 2200 मंझे हुए कराटे चैंपियन अपना भाग्य आजमाएंगे। इस राष्ट्रीय स्पर्धा में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और एशियन निर्णायकों का एक दल भी आ रहा है। गौरतलब है कि आयोजक रहे अविनाश सेट्टी के नेतृत्व में आयोजकों का एक दल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा से मुलाकात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की ओर से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया और कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग सीधे और सरल मेहमान नवाजी करने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, ये तैयारी तो बहुत दिन से चल रही है, पिछले 2-3 महीनों से कराटे संघ के अविनाश जी और उनकी पूरी टीम जो है वो लगातार पिछले 4-5 महीनों से प्रयास कर रही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट जो है आयोजन करने का जिम्मा उठाया। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसके क्रियान्वयन में लगे हुए हैं और बहुत सौभाग्य की बात है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी बिलासपुर प्रवास पे थे, उनको भी इसकी जानकारी दी गई है और संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी इसका 15 जुलाई को उद्घाटन करेंगे। हमारा ये प्रयास है और अटल श्रीवास्तव जी और बाकी लोग भी इस पूरी चीज़ों में लगे हुए हैं इसको करने में। अभी तक जो मुझे जानकारी, 18 राज्य से 2200 प्रतिनिधि जो है, 2200 खिलाड़ी जो है आ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी बात है जिन्होंने एम्पायर डिवीजन जो होता है उसका जो हेड होते हैं परमजीत जी, वो भी इस में आ रहे हैं, कुलदीप वत्स जी भी आ रहे हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों का आगमन न्यायधानी में हो रहा है और ये मील का पत्थर साबित होगी प्रतियोगिता, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ की ओर से कराटे संघ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यह मेरा, क्योंकि मैं भी सहभागी हूँ और छत्तीसगढ़ में जो अतिथियों का सत्कार होता है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता है, उसको ये लोग पूरा कृतार्थ करेंगे, ऐसी मैं पूछा। मैं इसमें संशोधित करना चाहूँगा, ये रिपोर्ट 2 दिन पहले का कि 18 राज्य आ रहे हैं, अभी तक में हमारी जानकारी में 27 राज्य के खिलाड़ी आ रहे हैं, 2200 प्लस खिलाड़ियों का हम लोगों को जानकारियाँ मिल चुकी हैं और 200 करीब ऑफिशियल्स आ रहे हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल के रेफरी हैं, नेशनल रेफरी हैं और एशियन रेफरी हैं और हम लोगों को मेजबानी करने का अवसर पहली बार छत्तीसगढ़ को मिला है, तो हम नो डाउट कुछ करना चाहते हैं और सब बहुत अच्छे सौभाग्य की बात है कि गुरुचरण बोरा जी जो ओलंपिक संघ के इस प्रदेश के सेक्रेटरी हैं उनका बहुत साथ हमको मिल रहा है, अटल श्रीवास्तव जी का बहुत साथ मिल रहा है, धर्मजीत भैया का बहुत साथ मिल रहा है और हम लोग बहुत अच्छा इस आयोजन को करके देंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। भैया आप आज मिले हैं जी,
अटल भैया हमको हेलीपैड पे आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाया उनने और 27 राज्यों की गाड़ी के बारे में जानकारी भी दी और कराटे संघ का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप बिल्कुल आए अतिथि के रूप में, उनने एक सहमति प्रदान की है और उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में शिव पूजन, रुद्राभिषेक, जप और महामृत्युंजय यज्ञ का हुआ आयोजन, जिसमें सांसद विजय बघेल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने बनाए मिट्टी के शिवलिंग। गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गुरुवार को शिव पूजन, रुद्राभिषेक, जप व महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सांसद विजय बघेल अपनी पत्नी के साथ इस रुद्राभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 125,000 ज्योतिर्लिंग बनाकर उनका अभिषेक किया। इस मौके पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि वे इस आध्यात्मिक आयोजन के माध्यम से भगवान से प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कामना भी कर रहे हैं और प्रदेश को खुशहाल रखने की कामना भी कर रहे हैं। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग सांसद विजय बघेल व भाजपा दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति के अनुसार पुरातन काल से ही और देवताओं ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की परंपरा की शुरुआत की और आज बहुत शुभ दिन है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है और उसका अष्टमी का दिन है, दुर्गाष्टमी है, तो दुर्गा मैया शिव और शक्ति का मिलन दुर्गाष्टमी के दिन हो, ये हम सब इस शिवलिंग बनाने के इस जो सामूहिक एक कार्य हो रहा है हमारे इस पवित्र स्थल में शक्ति के, भगवान शिव हमें शक्ति दे, माँ दुर्गा हमें शक्ति दे, इस भाव के साथ हमारे जिला के अध्यक्ष भाई जितेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित है। सभी पदाधिकारी हैं, सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, मैं स्वयं अपने पत्नी के साथ यहाँ उपस्थित हूँ, आदरणीय भैया दयाराम जी और बहन रमशीला जी, पति पत्नी दोनों हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ हमारा भ्रष्टाचार मुक्त हो, छत्तीसगढ़ में शराबखोरी ना हो, छत्तीसगढ़ में जो आज धर्मांतरण हो रहे हैं उस पर रोक लगे, छत्तीसगढ़ में जो लूट चला है वो लूट समाप्त हो। हमारे महापुरुषों ने इस छत्तीसगढ़ की कल्पना जिस रूप में की थी कि हमारा छत्तीसगढ़ बने, तो ये किस रूप में हो, क्योंकि शांति का टापू हमारा छत्तीसगढ़ माना जाता है, लेकिन आज वो स्थिति पूरा धूमिल हो चुकी है, पूरा छत्तीसगढ़ जल रहा है, लूटपाट चल रहा है, उसके लिए हमारे माँ दुर्गा और शिव भगवान शिव हमें शक्ति दे और उस शुभ कार्य में हमको सहभागी बनाए। के समस्त नेता, कार्यकर्ता, बंधु, बहनें सब मिलके भगवान भोलेनाथ के 125,000 शिवलिंग बना करके रुद्राभिषेक करेंगे। ये भगवान भोलेनाथ जो है संसार के पालनहार है और आज गुप्त नवरात्रि के अष्टमी का शुभ मुहूर्त है, माँ जगत जननी जगदम्बा का भी व्रत चल रहा है और भगवान भोलेनाथ का, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग बनाने का आयोजन इसलिए किए हैं कि सबके मंगल कामना के लिए आयोजन किया गया है। वहीं गुप्त नवरात्रि के अवसर पर भाजपा कार्यालय में आयोजित हो रहे इस रुद्राभिषेक के कार्यक्रम को पूरे विधि विधान से संपन्न करा रहे पंडित आचार्य ने कहा, नवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की आराधना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और निश्चित रूप से 125,000 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक लक्ष्य प्राप्ति में सहायक साबित होगा। ये गुप्त नवरात्रि का आज अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि के दिन महागौरी का दिन कहलाता है। महागौरी के दिन भगवान शिव के साथ माँ गौरी की यदि पूजा की जाए शास्त्रों के अनुसार, तो इससे मनोकामना की पूर्ति अवश्य होती है। शास्त्र ये भी कहता है कि दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम, जिस बिल्व पत्र के दर्शन से ही, स्पर्श से ही पापों का नाश होता है, उस बिल्व पत्र से और पार्थिव शिवलिंग का सबसे अधिक महत्व माना गया है, सोने का हो, चांदी का हो, हीरे का हो, उससे भी अधिक शास्त्र में पार्थिव शिवलिंग का महत्व सबसे अधिक बतलाया गया है। इसलिए सर्वजन कल्याण के लिए आज भाजपा कार्यालय में महाअष्टमी तिथि को, नवरात्रि के पावन पर्व पर 125,000 शिवलिंग निर्माण करके उसका महाअभिषेक एवं महामृत्युंजय के द्वारा यज्ञ संपन्न किया जा रहा है, ताकि जो वैश्विक महामारी फिर से समाज में आगे बढ़ रही है, आ रही है, उस महामारी से हम सब मुक्त होकर के भगवान की आराधना कर सके, सुखी रह सके। भाजपा कार्यालय में आयोजित रुद्राभिषेक के इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने अपने हाथों से मिट्टी के 125,000 शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक किया।
और भगवान शिव के भजनों के बीच उनकी आराधना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं दुर्ग निगम आयुक्त ने अमृत मिशन फिल्टर प्लांट में किए जा रहे कार्यों का लिया जायजा। उन्होंने फिल्टर प्लांट में स्काडा सिस्टम एवं वाटर सप्लाई के संबंध में अधिकारियों से ली जानकारी। दुर्ग में नव पदस्थ आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सुबह सुबह सभी अधिकारियों के साथ नगर निगम के अमृत मिशन योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों के साथ साथ 24 MLD एवं 42 MLD फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने फिल्टर प्लांट में स्काडा सिस्टम एवं वाटर सप्लाई के संबंध में सभी अधिकारियों से जानकारी ली। टंकियों की सफाई समय सीमा के अंदर करवाने हेतु निर्देशित भी किया। उसके पश्चात उन्होंने शंकर नगर नाला संतराबाड़ी वार्ड क्रमांक 26 में बन रहे पुलिया निर्माण कार्य के साथ साथ दुर्गा चौक वार्ड क्रमांक 10 में शंकर नगर नाला के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। आयुक्त प्रकाश सर्वे द्वारा नगर निगम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरंतर दौरा कर जायजा लिया जा रहा है। इस संबंध में न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी है। क्योंकि बरसात का मौसम है, पानी चालू हो गई है और नदियों में जो पानी आती है तो बरसात में जब पानी कलर चेंज हो जाता है तो फिल्टर प्लांट का निरीक्षण में दिखने आए एलम और जो उसमें जो डोजिंग किया जाता है तो डोजिंग प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी का सैंपल का टेस्टिंग कैसे हो रहा है, ठीक से टेस्ट हो रहे हो रहा है, सब चीज़ों का निरीक्षण किया गया है और केमिस्ट्री विकसित किया गया। बरसात में हर 3 टाइम का सैंपल ले जहाँ सप्लाई हो रही हो एंड जो पॉइंट प्रॉपर हम मॉनिटरिंग करते हैं। नगर पालिक निगम दुर्ग में बतौर आयुक्त पदभार संभालने के बाद प्रकाश सर्वे द्वारा लगातार क्षेत्र में चल रहे कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयं की जा रही है, जिससे कार्यों में गति भी देखने को मिल रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दूसरी ओर दुर्ग शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने प्रशासनिक अमला अब एक्शन मोड में जाने को तैयार। दुर्ग के पटेल चौक पर हुई दर्दनाक घटना के बाद यहां से हटाई जाएंगी अवैध दुकानें, होर्डिंग बोर्ड, साथ ही इस चौक पर यातायात विभाग के जवानों की बढ़ाई जाएगी संख्या। दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर स्थित पटेल चौक पर हुई सड़क दुर्घटना में दो सगे भाइयों की मौत के बाद अब प्रशासनिक अमला एक्शन मोड पर है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने दुर्ग के पटेल चौक पर आसपास लग रही गुमटियों दुकानों सहित बैनर पोस्टर को जल्द हटाए जाने की जानकारी देते हुए दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि जल्दी शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने कई कदम उठाए जाएंगे, जिनको लेकर दुर्ग के पटेल चौक में लग रहे अवैध दुकानों सहित पोस्टर बैनर को हटाया जाएगा। साथ ही यातायात विभाग के जवानों की संख्या बढ़ाकर ट्रैफिक व्यवस्था पर नियंत्रण किया जाएगा। गौरतलब है कि शहर के इस जगह से कलेक्ट्रेट, न्यायालय, तहसील, रजिस्ट्री ऑफिस सहित कई अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय हैं, जिनके चलते लोगों का आना जाना लगातार जारी रहता है। प्रशासनिक विभाग की दुरुस्त व्यवस्था के चलते ही अब ऐसे खतरों को टाला जा सकेगा। इस संबंध में न्यूज टीम को दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। चौक में क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और छोटी गाड़ी जो है उन्होंने जो सीधा ट्रक में आके घुस गई, वहाँ आसपास जो फल की दुकान है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। जो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जिसके कारण व्यू कट होता है उनको भी नगर पालिका से बात करके हटाया जा रहा है। वहाँ पे ट्रैफिक के जवानों की संख्या बढ़ाई जा रही है और PWD से बात की जा रही है किस तरह से उस मोड़ को और चौड़ा किया जा सके, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोका जाए। जिस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने प्रशासनिक अमले द्वारा उचित कार्रवाई कर स्थल को सुरक्षित रखने प्रयास किया जाएगा, वहीं नो एंट्री टाइम में स्कूल टाइम पर गुजरने वाली भारी वाहनों पर भी किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हां, हमारे यहां 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध। उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल ICU, NICU, PICU, पल्स हॉस्पिटल। हमारा पता, पल्स हॉस्पिटल, 2/4 नेहरू नगर, पश्चिम, भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07880
7841414141 07883590112 मोबाइल नंबर 9300171767 MG स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड न्यू आर ए नगर कोहका स्थित MG स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। MG स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, MG स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर सारे होमवर्क, इवन एग्जाम प्रिपरेशन सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पर। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूजिक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता MG स्कूल न्यू आर ए नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट ना हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। MG स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, महावारी, गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा ना होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा गया नगर दुर्ग और श्री राम मार्केट स्पर्श हॉस्पिटल के पास रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता, PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 777-30-777-111-777-30-777-222। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाने में पदस्थ एक SI ने रिश्वतखोरी का ऐसा नजारा पेश किया है जिससे पूरी मानवता शर्मा जाए। फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाले पंजाब के एक युवक का शव उसके परिजनों को सौंपने के एवज में SI ने 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी। परिजनों के पास इतने रुपए नहीं थे तो बात पहले 50,000 में हुई, फिर उसके बाद 45,000 रुपए में सौदा पक्का हुआ। बुधवार की शाम इसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने SI प्रकाश शुक्ला को सस्पेंड कर उसके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है। तो तुसी किन्ने करने? मैं कर एक जरूर कट पर दो देख लो, थोड़ा बहुत गरीब आदमी तो फिर रहने दो, मैं नहीं लूंगा, जाऊंगा, मेरे को भी सबको देना। नहीं नहीं, चलो देना है सर, मेरा मतलब है कि उसके बाद फिर TI साहब या CSP साहब कोई नहीं लेंगे, पूरा अच्छी नहीं है, कोई नहीं लेंगे। चलो देओ भाई जी, 50 देओ। किन्ने हैं सर? कुल देओ ना, किन्ने हैं? 10-20 जल्दी दे दीजिए। हाँ, मेरी घूमते रहे हम लोग, बाकी सर हम लोग भी नौकरी किए, मैं भी नौकरी किया हुआ आदमी हूँ, ऐसा नहीं है। यही तो देख क्या था हम लोग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10,000, 45 हो गया, 45 हो गया, 45 चल जाएगा बहुत जी। ठीक, लो लो, बहुत आपकी ठीक है। पिता अर्जुन सिंह 24 वर्षीय जो फिरोजपुर का रहने वाला है, उसका 4 जुलाई को की मृत्यु हुई। फांसी लगा के उसने अपनी जान ले ली। उसके पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को पोस्टनामा करने के एवज में सब इंस्पेक्टर प्रकाश शुक्ला द्वारा 50,000 रुपये मांगने की बात सामने आई है। प्रार्थी द्वारा मुझे फ़ोन करके भी जानकारी दी गई थी, उसके बाद उसे साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो उसके द्वारा जो है छुपकर एक वीडियो बनाया गया जिसमें कि सब इंस्पेक्टर द्वारा पैसे की मांग और लेने ऐसा प्रार्थी द्वारा गिनने की जो है वो चीज़ें सामने आई हैं। उसके साथ एक कांस्टेबल भी था जिसने प्रथम दृष्टया इस बात की पुष्टि की है कि थाना प्रभारी द्वारा कुछ पैसे का लेन देन किया गया है। प्रथम दृष्टया बात सही पाने पर उनको सस्पेंड करके पुलिस लाइन में भेजा गया है। उनकी विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। जो प्रार्थी है उसको थाने बुलाया गया है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा तक कोई शिकायत नहीं की गई, शिकायत लेकर उसमें जो है कठोर से कठोर सजा दी जाए। दुर्ग भिलाई शहर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव के नेतृत्व में गुरुवार को सुबह 5 बजे 1.5 दर्जन से अधिक अधिकारियों एवं 150 से अधिक जवानों द्वारा मकान किराएदारों का सत्यापन एवं कॉलोनी में चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान कुबेर रेसिडेंसी, सूर्या रेसिडेंसी और चौहान टाउन में चलाकर मुख्य रूप से किराएदारों का सत्यापन, लिफ्ट वेरिफिकेशन, असामाजिक तत्वों की चेकिंग, पार्किंग में लावारिस वाहनों की चेकिंग, CCTV चेकिंग कर अपार्टमेंट एवं रेसिडेंसी के लोगों की शिकायत एवं फीडबैक से संबंधित अभियान चलाए गए।
दुर्ग जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने आम नागरिकों को साइबर फ्रॉड के मामले में सावधान रहने की अपील की है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि सोशल साइट्स पर किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती ना करें, फोन पर किसी से भी बैंक खाते से संबंधित अपनी जानकारी साझा ना करें, इसी प्रकार सोशल मीडिया या ईमेल पर आए किसी भी संदिग्ध लिंक को न खोलें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। साइबर ठगी करने वाले कई तरह के प्रलोभन देते हैं ताकि लोग उनके झांसे में आ जाएं। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर साइबर हेल्पलाइन नंबर 7898815399 पर, एक बार फिर से नंबर सुन लीजिए 7898815399 पर कॉल करें, जिससे कि पैसे को होल्ड करने की कार्यवाही की जा सके। जितने साइबर फ्रॉड हैं, सब में अवेयरनेस सबसे जरूरी चीज है। कभी भी कोई आपके पास मैसेज आए तो उसे तुरंत क्लिक ना करें, नहीं तो कभी फोन हैक होने की कोशिश हो जाती है। कभी भी अपना ओटीपी किसी को ना बताएं। कभी भी इंटरनेट से जब तक रजिस्टर्ड यूजर नहीं है उसका बिना पता लगाए जो है वो पैसा ट्रांसफर ना करें। जब भी आपके पास कोई ऐसा मैसेज आए तो आप उसकी पुष्टि साइबर सेल में फ़ोन करके पता कर सकते हैं। बिना पुष्टि के यदि कोई ट्रांजेक्शन करता है, अपना ओटीपी बताता है, तो वो नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। जब भी पैसा ट्रांसफर हो उसके बाद तुरंत साइबर सेल को फ़ोन करें, जिससे कि मनी को होल्ड किया जा सके, क्योंकि एक बार पूरा पैसा निकाल लिया जाता है तो फिर काफ़ी मुश्किल होता है उसको रिट्रीव करना। मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि जब भी किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो तो तुरंत मुझे मेरे नंबर 7898815399 पे कॉल करें, जिससे कि पैसे को होल्ड करने की कार्रवाई की जाए। विगत 28 जून से लापता कुम्हारी के कपड़ा व्यापारी जयकुमार साहू को अंततः पुलिस ने रायपुर में पकड़ा। मुखबिर की सूचना पर रायपुर के मौधापारा में कपड़ा व्यवसायी जयकुमार साहू पकड़ा गया। व्यापारी द्वारा अपनी मृत्यु की साजिश रचकर गुमराह करने अपनी मोटरसाइकिल एवं मोबाइल को खारो नदी में छोड़कर गुम हो गया था। कुमारी के जय कलेक्शन नाम कपड़े की दुकान चलाने वाला जयकुमार साहू अचानक 28 की रात को अपनी दुकान बंद कर घर ही नहीं पहुंचा। दूसरे दिन उसकी मोटरसाइकिल एवं मोबाइल खारून नदी के पास से बरामद की गई। अनहोने की आशंका से नदी की एसडीआरएफ की टीम दो दिन लगातार उसे खोजती रही, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस बीच पुलिस द्वारा जय का मोबाइल भी खंगाला गया। कॉल डिटेल्स के आधार पर उसके नजदीकी लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसी बीच अपने किसी परिचित से उसने संपर्क किया, इसी नंबर को ट्रेस किया गया, जिससे पता चला कि लापता व्यापारी पटना में है। पुलिस अधीक्षक दुर्ग डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी भिलाई विश्वास चंद्राकर, निरीक्षक साइबर क्राइम संतोष मिश्रा के मार्ग निर्देशन में गुमशुदा की पतासाजी करने टीम बनाकर अजय सिंह और आरक्षक ACCU अरविंद मिश्रा को तत्काल पटना भेजा गया। व्यवसायी द्वारा दूसरे लोगों का फोन इस्तेमाल कर गुमराह करते हुए पटना के साउथ बिहार एक्सप्रेस से रायपुर आ गया, जिसे ट्रेस कर एवं मुखबिर की सूचना पर रायपुर के मौधापारा से पकड़ा गया। व्यापारी द्वारा अपनी मृत्यु की साजिश रचकर गुमराह करने अपनी मोटरसाइकिल एवं मोबाइल फोन को खारून नदी में छोड़कर लापता हो गया था। व्यवसायी के मुताबिक वह व्यक्तिगत मानसिक परेशानी व तनाव के दौर से गुजर रहा था। इस कार्रवाई में निरीक्षक PD चंद्रा, उप निरीक्षक प्रकाश शुक्ला, सहायक उप निरीक्षक अजय सिंह, आरक्षक अरविंद मिश्रा, आरक्षक विक्रांत सिंह, आरक्षक राजकुमार सिंह, आरक्षक कविंद्र साहू, आरक्षक दिलीप हरन की सराहनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। हिंदुओं की पूजनीय देवी मां काली की अपमानजनक वीडियो पर पोस्टर जारी करने पर हिंदू युवा मंच ने फिल्म डायरेक्टर लीना मड़ी मेकलाई पर आक्रोश जताते हुए किया पुतला दहन। कनाडा की फिल्म डायरेक्टर लीना मणि मेकलाई द्वारा मां काली का अपमानजनक पोस्टर व वीडियो को सोशल मीडिया में रिलीज किए जाने और बंगाल के TMC सांसद मोहिया मित्रा द्वारा समर्थन किए जाने से नाराज हिंदू युवा मंच ने बुधवार की शाम संगठन प्रमुख गोविंद राज नायडू के निर्देशानुसार पटेल चौक में प्रदर्शन किया, जिसमें संगठन के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। इन्होंने लीना मणि मेकलाई का पुतला दहन व नारेबाजी कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से हिंदू युवा मंच ने प्रशासन को चेतावनी दी कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मां काली की अपमानजनक पोस्टर बनाने वाली डायरेक्टर लीना मणि मेकलाई की इस सीरीज को बैन किए जाने की मांग भी की। हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था व उनके देवी देवताओं का अपमान है। पुतला दहन के दौरान हिंदू युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री कुमार नायर, संगठन मंत्री राजेश शर्मा, जिला संयोजक समिति के सदस्य अरुण सिंह,
के साथ बड़ी संख्या में हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वही शासन की वन होम वन ट्री योजना की शुरुआत नगर निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा ने दशहरा मैदान फुटबॉल ग्राउंड के समीप रिसाली में की। महापौर ने योजना के तहत महापौर परिषद के सदस्यों को पौधा वितरित किया। महापौर ने कहा कि टाउनशिप क्षेत्र के अलावा निगम क्षेत्र के शेष हिस्से में हरियाली कम है, जनप्रतिनिधि लोगों को पौधे भेंट कर उसे लगाने प्रोत्साहित करें। इस अवसर पर सभापति केशव बंछोड़, एमआईसी सदस्य सनीर साहू, चंद्रभान ठाकुर, परमेश्वर सोनिया देवांगन आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। क्राउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, स्पेशल टैरिफ प्लान फॉर कॉर्पोरेट, मैरिज एंड अदर फंक्शंस, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल। स्वीट होम अवे फ्रॉम होम, पावर हाउस रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई, अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ। इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आर्मी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। वन होम वन ट्री महाअभियान के तहत दुर्ग वन मंडल द्वारा पौधारोपण महाअभियान में शहर को हरियाली युक्त बनाने दुर्ग कलेक्टर महापौर ने 5 बिल्डिंग में किया पौधारोपण। दुर्ग निगम के अंतर्गत बुधवार को राज्य शासन की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन व निगम द्वारा वन होम वन ट्री महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत वार्ड 21 हनुमान नगर में महाअभियान के तहत दुर्ग वन मंडल द्वारा वन होम वन ट्री महाअभियान में विधायक अरुण गोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित वन विभाग के अधिकारियों ने 5 बिल्डिंग स्थल पर पौधारोपण कर इस महाअभियान का हिस्सा बने। इसी कड़ी में चंपा, कदम, नीम, बादाम व गुलमोहर इत्यादि पौधों का रोपण किया गया और लोगों ने इस अभियान से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम महापौर व निगम आयुक्त ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की ये मंशा है कि हम सब वन होम वन ट्री कैंपेन में प्रमुखता से शामिल हो। उपदेश ये है कि हम सबको जीवन में हरियाली लाना है, वृक्ष लगाकर हमको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है। और जैसा कि हम सब देख रहे थे, कोरोना काल के दौरान सबसे प्रमुख बातें जो सामने आई थी वो ऑक्सीजन की कमी को लेकर, बेतहाशा जंगल काटे गए थे, उसको लेके बहुत ही मतलब विरोध भी रहा और ऑक्सीजन की कमी भी हुई। अब वन होम वन ट्री कैंपेन का उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति अपने घर में एक पौधा लगाए और उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ले। आज हम लोग सुबह से ही प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में गए, उसके बाद हम वार्ड 21 में गए, अभी हम यहाँ सिविल लाइन आए हैं माननीय विधायक जी के साथ। तो ये लगातार उपदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। राष्ट्रीय जो वन होम वन ट्री का अभियान था, इस साल 6 जुलाई को कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हमारे निगम क्षेत्र में सभी वार्डों में इसका अभियान चलाया है और जनता से अपील भी की है, महापौर से भी निवेदन किया कि जनता से अपील करें कि हर व्यक्ति अपने घर में पौधा लगाए और जो भी खाली जगह निगम क्षेत्र में जो सार्वजनिक जगह है उसमें हम लोग प्लांटेशन किए हैं। प्लांटेशन के साथ साथ ऐसे जगह चुना करते हैं जहाँ पर बाउंड्री वाले होकर यहाँ बाउंड्री वाले होकर टी गार्ड की सुविधा देकर प्लांटेशन किए हैं और ये अभियान सबके सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधि अभियान से सफल भी रहा। बहरहाल छत्तीसगढ़ शासन की वन होम वन ट्री योजना काफी सफल नजर आ रही है। देखना होगा कि ये रोपे गए पौधे आगे चलकर बड़े दरख्त बनते हैं या सूखी हुई टहनी में बदल जाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बरसात के दस्तक के साथ ही शिवनाथ नदी किनारे बन रहे पुलगांव नाला डायवर्जन निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते नदी में नाले से बहकर आने वाले पानी के साथ जलकुंभी भी पहुंच रहे हैं। शहर को निरंतर शुद्ध पेयजल और बिना रुकावट पेयजल सप्लाई व्यवस्था को सुधारने की गरज से शिवनाथ नदी किनारे बरसात के दिनों में पुलगांव नाले से बहकर आने वाले जल कुंभियों के कारण इंटक वेल में जा फंस जाने से पानी सप्लाई प्रभावित होती है, जिसे दूर करने दुर्ग नगर निगम द्वारा लगातार कई योजनाएं बनाकर बहकर आने वाले जल कुंभियों को नदी से निकाला जाता है। वहीं इसी कड़ी में इससे निपटने शिवनाथ नदी किनारे पुलगांव नाले के ऊपर डायवर्सन कार्य किया जा रहा है, जो कि अब तक बारिश की दस्तक होने के बाद भी अपने आधे अधूरे निर्माण तक ही पहुँचा है। इसी कड़ी में दुर्ग निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने अधिकारियों के साथ पुलगांव नाला डायवर्सन कार्य का निरीक्षण किया और इसे जल्द पूर्ण करा लेने के निर्देश दिए। साथ ही साथ इंटेक वेल के पास जल कुंभी एकत्रित न हो, इसका भी ध्यान रख इंटेक वेल के पास साफ सफाई करवाने के निर्देश भी दिए हैं। इस संबंध में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। जल कुंभी जो फंसता है उसके लिए डेली पे हमारा लेबर वहाँ पे लगे रहते हैं, जैसे कुंभी इंटेक वेल फंसती है उसको हमारे लेबर के द्वारा सफाई लगातार किया जा रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है, कहीं जल कुंभी नदी में आकर के फंसी रहे, कंटिन्यू सफाई का भी कार्य चल रहा है। डाइवर्शन का जो कार्य किया गया था सर, वो कितना तक पूर्ण हुआ है? डाइवर्शन का काम लगभग पूर्णता की ओर है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हुआ है, वो भी जल्दी से कोशिश करें जल्दी पूरा करें। एक तरफ बरसात का मौसम अपनी दस्तक दे चुका है, वहीं नगर निगम द्वारा जल कुंभियों से इंटक वेल को बचाने बनाए जा रहे पुलगांव नाला डायवर्सन कार्य जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि क्या इस बरसात में भी लोगों को इंटक वेल में जल कुंभी फंस जाने के कारण पानी सप्लाई में परेशानी का सामना करना पड़ेगा या दुर्ग निगम जल कुंभियों को रोकने में सफल हो पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शहर की सफाई व्यवस्था का निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण, मॉर्निंग विजिट में सफाई व्यवस्था एवं निर्माण कार्य पर विशेष ध्यान देने दिए निर्देश। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा अंतर्गत गुरुवार निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने सुबह मॉर्निंग विजिट में सफाई व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान,
सहायक स्वास्थ्य अधिकारी व नोडल अधिकारी जावेद अली के साथ शहर सफाई को लेकर विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। वहीं आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने मालवीय नगर शंकर नाला का निरीक्षण भी किया। उन्होंने वार्ड 24 व 23 में डोर टू डोर कलेक्शन कार्य का निरीक्षण के उपरांत स्टेशन रोड मुख्य मार्ग की सड़क सफाई कार्य का अवलोकन करते हुए टेंचिंग ग्राउंड पोटिया कला में स्थित SLRM सेंटर व वर्मी कंपोस्ट सेंटर का निरीक्षण भी किया। साथ ही वर्मी कंपोस्ट के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं निगम जनसंपर्क के राजू बख्शी ने बताया कि निगम आयुक्त द्वारा लगातार चौथे दिन मॉर्निंग विजिट में निर्माण कार्य, सफाई समेत पेयजल व्यवस्था की जानकारी लेने वार्डों में भ्रमण किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने अपने प्रभार वार्डों के नालियों की एक बार संपूर्ण सफाई होने के बाद समय समय पर नालों की स्वच्छता पर नजर रखने कहा। वर्षा ऋतु को देखते हुए किसी भी स्थान पर पानी जमा होने की स्थिति से निकासी का कार्य तत्काल करने के लिए निर्देशित भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कैलाश नगर कुरुद स्थित नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल तक बच्चों का पहुंचना काफी मुश्किल हो गया है। बच्चे रोज स्कूल तक पहुंचने वाले जर्जर मार्ग से होकर गुजरते हैं, जिससे आए दिन कोई न कोई बच्चा दुर्घटना का शिकार हो रहा है। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 21 कैलाश नगर कुरुद स्थित नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल के विद्यार्थी इन दिनों बरसात के मौसम को लेकर खासी परेशानी में हैं, क्योंकि अटल आवास की तरफ से आने वाला रास्ता कई छोटे छोटे तालाबों में तब्दील हो गया है और इन तालाबों से होकर बच्चों को स्कूल तक पहुंचना और रोज परेशानियों का सामना करना इनकी मजबूरी बन गई है। और इस ओर न तो स्कूल प्रबंधन का ध्यान है, न ही नगर पालिक निगम भिलाई का और न ही शिक्षा विभाग का। ऐसे में अब दोष दिया जाए तो किसे। एक तरफ भिलाई को शिक्षा धानी भी कहा जाता है और एक स्कूल का पहुंच मार्ग इस तरह से जर्जर होना कहां तक सही है। पूरा भर जाता है, बाजू से जाते हैं, कभी कभी वो भी रास्ता नहीं रहते। नहीं बात बहुत पहले पलट के घुटने तक पानी का आता था। मेरा नाम आन सिंह है, मेरा दोस्त युवराज सिंह चंदेल नाम का, मेरे साथ जा रहा था। पानी का पूरा गिरा वाला आया, डूब गया एक करीब 20 हम लोग आ नहीं पाते, पूरा हमारा कपड़ा पड़ा गंदा हो जाता और कल मैं गिर भी गया था। नालंदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता भी इस दुविधा में रहते हैं, आज बच्चा स्कूल सुरक्षित पहुंच पाएगा या नहीं। जल्द ही शासन प्रशासन को इन समस्याओं को संज्ञान में लेकर कोई ठोस हल निकालने की जरूरत है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आने जाने में सहूलियत मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वही कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर नगर निगम भिलाई की टीम द्वारा अवैध होर्डिंग्स और सड़क किनारे बिल्डिंग मटेरियल रखे लोगों पर कार्यवाही शुरू की गई। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को सूचीबद्ध कर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा द्वारा लगातार नगर निगम भिलाई के विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने सभी जोन के आयुक्तों को सड़क बाधा करने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत वैशाली नगर क्षेत्र अंतर्गत कालीबाड़ी चौक से एकता चौक में सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने कार्रवाई की गई। सड़क पर व्यापारियों के द्वारा होर्डिंग्स एवं प्रचार सामग्री लगाकर यातायात को बाधित किया जा रहा था, जिसे निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने हटाने की कार्रवाई की। इसी तरह आकाशगंगा सुपेला सब्जी मंडी में अवैध कब्जेधारियों को हटाने अभियान चलाया गया। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में जोन आयुक्त पूजा पिल्ले, सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू, परमेश्वर चंद्राकर, राजेश गुप्ता, जगन्नाथ तिवारी ने मौके पर रहकर कार्रवाई को अंजाम दिया। कुरुद रोड से एकता चौक तक जो है वो वैशाली नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इसी प्रकार से जोन क्रमांक एक जो क्षेत्र है इसमें भी आकाशगंगा के समीप जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध गुमटी और ठेले थे उसको हटाए गए हैं। जो अवैध रूप से बोर्ड जो बाहर में लगे हुए थे उनको हटाए गए हैं। नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटाई गई है। इस प्रकार से जो शहर की स्वच्छता और सुंदरता को बनाए रखने के लिए तथा सड़क बाधा को हटाने के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। मेरी आम नागरिकों से अपील है कि जो अवैध रूप से जो अतिरिक्त रूप से सड़क पर फैलाकर सामान फैलाकर जो व्यवसाय करते हैं वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर निगम जो है प्रशासन जो है कड़ी कार्रवाई करेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।